तो मैंने बना लिया है अपना व्हाट्सएप चैनल, आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको ब्यूटीफुल कोट्स मिलेंगे, मैनिफेस्टेशन चीज़ें मिलेंगी और ढेर सारी सी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। तो आप उस चैनल को जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था और वेलकम बैक टू न्यू सेल्फ लव सीरीज। सो आज से स्टार्ट होने वाली है सेल्फ लव सीरीज, यानी पूरा अक्टूबर 30 वीडियो आपको मिलेंगे सेल्फ लव सीरीज से रिलेटेड, यानी 1 से लेके 30 तक कंटिन्यू सेल्फ लव के वीडियोस ही इस चैनल में डेली अपलोड करे जाएंगे। सो मेक श्योर अगर आपको सेल्फ लव सीखना है तो सबसे पहली चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर दो, और आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है सीक्रेट आस्था। अवाम वेलकम टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे वीडियो को, और थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक जो कि है सेल्फ लव सीरीज का डे 1। तो आज के अपन वीडियो में सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो आज अपन यही जानेंगे कि सेल्फ लव बिगनिंग से कैसे स्टार्ट किया जाए। अफर्मेशन, मेडिटेशन टेक्निक, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में पता चलती जाएंगी, लेकिन आज सिर्फ अपन ये जानेंगे कि सेल्फ लव होता क्या है। आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है सेल्फ लव करो सेल्फ लव करो, लेकिन सेल्फ लव क्या है, सही मायने में खुद से प्यार कैसे किया जा सकता है। बोलना बहुत आसान है कि मैं सेल्फ लव में हूँ, पर काफ़ी मुश्किल भी है इस सेल्फ लव को जीना, इस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट करना और पूरी तरीके से खुद को प्रायोरिटाइज करना। तो किस तरीके से आप खुद से प्यार कर सकते हैं, और स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो सुन रही हैं और जितने भी बॉयज़ ये वीडियो सुन रहे हैं, सेल्फ लव इज़ ओनली एंड ओनली ओनली थिंग्स जो आपको चीज़ें दिला सकती हैं, आपको खुश कर सकती हैं, और आप इससे अपनी लाइफ में अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। सेल्फ लव हर एज वालों के लिए है और हर एक जेंडर के लिए है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव ये नहीं होता है कि अच्छे से सज लिया, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, बट व्हाट अबाउट सोल, आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है। आप बाहर से खुद को ग्लो कर सकते हो, आप महंगे प्रोडक्ट लगा सकते हो, आप महंगे कपड़े पहन सकते हो, पर व्हाट अबाउट योर सोल, कि आप अंदर से ग्लो कर रहे हो। जब आप अंदर से ग्लो करते हो ना, जब आपकी सोल ग्रो करती है ना, तो आपको किसी भी महंगे कपड़े या मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लिटरली बाहर से शाइन करते हो, आप लिटरली आउटसाइड से शाइन करने लगते हो। सो सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ होती है। सेल्फ लव करना और ट्रेंड में रहना बहुत अलग चीज़ है, लेकिन खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना ही सही सेल्फ लव है। अब पूरी तरीके से खुद को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, आपको आज सेल्फ लव की डे 1 सीरीज़ में मैं बताने वाली हूँ। जो स्टेप मैं फॉलो करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और जो चीज़ें मैंने इतनी किताबें पढ़ के, इतने अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं 5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ और 100 से भी ज़्यादा लोगों को पर्सनल सेशन दे चुकी हूँ, अपना जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज़ भी चैनल पर हैं, तो आप लोग वो ज़रूर चेकआउट करना। पहली चीज़ ये कि आप खुद को कैसे जान सकते हो, एक कॉपी और पेन लो। आज ही वीडियो को देखने के बाद एक कॉपी और पेन लो। एक तरफ आपको खुद के बारे में क्या क्या चीज़ें पसंद है, आपका नेचर, आपके हाथ का खाना, आपकी स्माइल, आपके लुक्स, आपके बाल, आपके रहने सहने का ढंग, जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो लिखो, और एक तरफ लिखो कि आपके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे, ऐसे कैसे लिख दूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो बहुत परफेक्ट हूँ। नो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और इस परफेक्ट की दौड़ में दौड़ना बंद करो, और रियल इंसान जो अपन ह्यूमन बीइंग हैं, जो खुद से प्यार करते हैं, वैसे रहने की कोशिश करें। परफेक्ट जैसा कोई शब्द ही परफेक्ट नहीं है। सो दूसरी तरफ लिखो आपके अंदर जो खामियाँ हैं, आपको गुस्सा आती है, आपको चिड़चिड़ होती है, मतलब जो भी चीज़ आपको लगती है कि ऐसी ये कमी है मेरे अंदर, वो चीज़ें लिखो। यही है आपका आज का पहली चीज़ सेल्फ लव सीरीज़ की, अपनी खूबी और अपनी कमी को एक कॉपी में लिखो, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर किन चीज़ों की कमी है और किन चीज़ों की अच्छाई है। क्योंकि कई बार अपन खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है। और आज रात को सोने से पहले सिर्फ एक अफर्मेशन बोलनी है,
मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैंने खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, दैट्स इट। तो ये था आज का सेल्फ लव सीरीज़ का डे 1। अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को एक कॉपी में लिख डालो।